सवाल है कुछ कैसे हो आप सब भाई हो आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में आपको WhatsApp के आई बटन के कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में WhatsApp तो हर कोई यूज करता है, WhatsApp चलाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि WhatsApp में हमें एक फीचर मिलता है जिसका नाम है आई बटन। और मैं आपको बता दूं कि आज भी काफी सारे लोग ऐसे हैं जो WhatsApp के आई बटन के फीचर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। दोस्तों अगर आप आई बटन के फीचर्स के बारे में जान लोगे तो आपका जो WhatsApp यूज करने का एक्सपीरियंस है वो पहले से बदल जाएगा। आप खुद ही बोलोगे कि यार काश इसके बारे में पहले पता होता। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको आई बटन के इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में बताता हूं, ठीक है। आपको सिंपली WhatsApp को ओपन करना है, आपको जाना है WhatsApp में। WhatsApp में जाने के बाद आपको चैट पर टैप करना है, इसके बाद आपको प्रोफाइल पर टैप करना है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे, फीचर्स मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इन सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में नहीं जानते हैं, वो WhatsApp तो नॉर्मली यूज करते हैं, कभी भी चैट पर सेटिंग नहीं करते हैं। और दोस्तों जब आप इस सेटिंग के बारे में जान लोगे तो आप इसको रेगुलर यूज करोगे, ठीक है। आपको यहां पर फर्स्ट नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा म्यूट नोटिफिकेशन, आप यहां से नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हो, यानी जिस भी चैट के सेटिंग को आप ओपन करोगे आप यहां से उसके नोटिफिकेशन को म्यूट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको सेकंड नंबर पर एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम नोटिफिकेशन। दोस्तों आप यहां से हर चैट पर अलग अलग टोन को सेट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारा फोन कहीं पर रखा होता है, उस टाइम पर WhatsApp पर मैसेज आता है और दोस्तों हमें फोन को ओपन करना पड़ता है, WhatsApp को ओपन करना पड़ता है, तब जाकर हमें पता चलता है कि आखिर WhatsApp पर किसका मैसेज आया हुआ है। दोस्तों जब आप यहां से हर चैट पर अलग अलग टोन को सेट कर दोगे तो दोस्तों जिसका भी मैसेज आएगा उसका अलग टोन बजेगा, आपको पता चल जाएगा कि WhatsApp पर इस टाइम पर किसका मैसेज आया हुआ है। इस तरह आप इस सेकंड वाले फीचर को यूज कर सकते हो। अब दोस्तों आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा मीडिया विजिबिलिटी का। ये जो फीचर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों काफ़ी सारे लोग हमारे पास फोटोज़ भेजते हैं, वीडियोज़ भेजते हैं, वो ऐसे फोटोज़ होते हैं जिनको हम गैलरी में शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप बहुत ही आसानी से उनके मीडिया विजिबिलिटी को ऑफ कर सकते हो, बंद कर सकते हो। सामने वाला बंदा जब आपके पास फोटो भेजेगा, वीडियो भेजेगा, ठीक है, जब आप उसको डाउनलोड कर लोगे वो आपके गैलरी में शो नहीं होगा। सिंपली आपको मीडिया विजिबिलिटी पर टैप करना है, ठीक है, यहां से आपको इसको नो करके ओके पर टैप कर देना है। दोस्तों जब भी अब इस चैट से हमारे पास कोई भी फोटो आएगा, वीडियो आएगा, वो गैलरी में शो नहीं होगा, ठीक है। इस तरह आप किसी को भी ब्लॉक एक टाइप से कर सकते हो, आप उसके चैट को, मैसेज को पढ़ोगे, उसके फोटो वीडियो को डाउनलोड करोगे, उसका जो फोटो और वीडियो है वो गैलरी में शो नहीं होगा। मान लो कि आपका फोन अगर कोई लेता है तो दोस्तों गैलरी से उन फोटोज और वीडियोस को वो नहीं देख पाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसका सेटअप कर सकते हो। काफ़ी सारे लोगों की ये भी शिकायत होती है कि उनके फोटोज़ और वीडियोज़ गैलरी में शो नहीं हो रहे, तो दोस्तों होता है क्या है कि उनके मीडिया विजिबिलिटी ऑफ रहता है, तो आपको यहां से यस कर देना है। दोस्तों आपके सारे फोटोज और वीडियोस गैलरी में शो होने लगेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा इनक्रिप्शन का, आप यहां से WhatsApp के इनक्रिप्शन को चेक कर सकते हो कि आप जो चैटिंग कर रहे हो, आप जो मैसेज भेज रहे हो, रिसीव कर रहे हो, वो इनक्रिप्टेड है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, ठीक है। आपको सिंपली इनक्रिप्शन पर टैप करना है, ठीक है। जिस भी चैट के इनक्रिप्शन को आप ओपन करोगे आपको उस बंदे को, यानी सामने वाले बंदे को भी बोलना है कि सेम यही ऑप्शन ओपन करे, ठीक है। आपको दोनों, यानी उसके कोड को और अपने कोड को मैच करने, अगर दोनों कोड मैच होते हैं तो दोस्तों आपका जो चैट है वो इनक्रिप्टेड है, सेफ है, सिक्योर है, ठीक है। इस तरह दोस्तों आप WhatsApp के इनक्रिप्शन को चेक कर सकते हो, सिक्योरिटी को चेक कर सकते हो। अगर सामने वाले बंदे का फ़ोन पास में है तो आप स्कैन कोड पर क्लिक करके कोड को स्कैन करके भी पता कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा डिसअपीयरिंग मैसेज। दोस्तों ये जो फीचर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोस्तों जब भी आप किसी से चैट करोगे या मैसेज भेजोगे, रिसीव करोगे, जब आप यहां पर टाइम फ्रेम डाल दोगे उतने टाइम बाद वो मैसेज ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि आप 24 घंटा डाल देते हो, दोस्तों जो भी चैट आपका रहेगा वो 24 घंटे बाद ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप यही चीज 7 दिन कर दोगे तो 7 दिन के बाद आपके जो मैसेज है वो ऑटोमेटिक डिलीट होंगे, 90 दिन भी कर सकते हो। इस तरह आप इसका सेटअप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको बैक आना है। दोस्तों आप यहां पर एक और फीचर यूज कर सकते हो,
स्टैड मैसेज, ठीक है, ये जो फीचर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मान लो कि किसी से चैट कर रहे हो, आप कंटिन्यू किसी से चैट कर रहे हो, कुछ चैट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें उस चैट की ज़रूरत बार बार पड़ती है। तो दोस्तों अब आप उस चैट को पर्टिकुलर एक जगह पर सेव कर सकते हो, ठीक है, सिर्फ आप एक क्लिक करोगे आपके वो सभी मैसेज चैट मिल जाएंगे। दोस्तों आपको स्टार्ट मैसेज फीचर को यूज करना है, आपको सिंपली उस मैसेज पर लॉन्ग टैप करना है जिसको आप सेव करना चाहते हो, ठीक है, आपको इस तरह लॉन्ग टैप करना है। आपको ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा स्टार का, स्टार बना हुआ, आपको इस पर टिक कर देना है, ठीक है। ये जो मैसेज है वो स्टार वाले सेक्शन में जा चुका है, सिंपली आपको प्रोफाइल पर टैप करना है, आपको यहाँ पर एक नया फोल्डर मिल जाएगा स्टार्ट मैसेज, ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। दोस्तों जितने भी चैट जितने भी मैसेज आप सेव करोगे आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, ठीक है, यानी इम्पॉर्टेंट मैसेज को आप यहाँ पर सेव कर सकते हो। अगर आपको उसकी ज़रूरत बार बार पड़ती है सिर्फ आपको एक क्लिक करना है, आपकी वो सभी मैसेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह दोस्तों आप इस फीचर को यूज कर सकते हो। तो यार कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको ये फीचर्स कैसे लगे, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।